कोरोना के दौरान प्रदेश में हजारों लोगों की मौत हो गई। फ्रंटलाइन वर्कर पुलिस के जवानों की भी कोरोना से मौत हुई। 4872 कर्मचारी और अधिकारी संक्रमित हुए, 970 का अभी भी इलाज चल रहा है, कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक पुलिस जवानों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। लेकिन मैनकाइंड फार्मा इन जवानों के परिजनों की मदद के लिए आगे आई है और शनिवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को मैनकाइंड फार्मा की तरफ से 3-3 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। इस मौके पर कंपनी के CEO और DGP मौजूद रहे। पुलिस जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद देकर महामारी के दौरान शहीद हुए जवानों और अधिकारियों के महत्वपूर्ण सहयोग को नमन किया गया। DGP संजय कुंडू कहते हैं कि देश भर में अफरा तफरी के मुश्किल माहौल में सबसे पहले पुलिस ने धरातल पर काम किया। सबसे कठिन ड्यूटी शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद भावभीनी श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा, महामारी में जान गंवाने वाले जवानों को फिलहाल कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है, जबकि पुलिस ने महामारी से निपटने की दक्षता नहीं होने के बावजूद बेहद कठिन काम किया है और मानवता बचाने के लिए जवानों ने अपनी जान दे दी। पुलिस मुख्यालय ने कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जान देने वाले 7 कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाली 50-50 लाख की राशि के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी तक ये राशि नहीं मिल पाई है। उन्होंने मैनकाइंड फार्मा का आभार जताया। आपको बता दें, मैनकाइंड फार्मा पिछले काफी समय से कई बार इस तरह की मदद करती आई है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम किया वो मॉडल को प्राइम मिनिस्टर ने भी और बाकी लीडर्स ने भी सराहा। सरकार ने बोला था कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो ड्यूटी के दौरान बनेंगे उनको 50 लाख मिलेगा, तो हमने केस भेजा ऊपर नीचे। आपको पता है सरकार में चलता रहता है, आज दिन तक वो मैच्योर नहीं हुआ। और जब आपके अधिकारी आए, आई थॉट इट माइट बी अ जोक बिकॉज पीपल आर प्लेइंग जोक्स विद अस, दे हैव बीन प्लेइंग जोक्स विद अस, ठीक है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप, एक तो नॉर्मल टूर ऑफ ड्यूटी होता है, बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी मैनकाइंड फार्मा ने, पूरी मैनेजमेंट ने किया और मेरे को बताया ना केवल हिमाचल प्रदेश में, ये आपने पूरे स्टेट्स में किया, पूरे कंट्री में किया। साथ के साथ जो बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके लिए भी आपने कंट्रीब्यूट किया। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको।